एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर दाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा दाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। ये गुरु नानक दे घर दी वडियाई है। सिख गुरु गुरु सिख है। पहले जामे विच गुरु नानक ने इस मनुख नू एदे विच पूर्णता भरन वास्ते जो यतन कीता शुरुआत कीती मेरे गुरु नानक पातशाह जी ने कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरीजे सिर दीजे कान ना कीजे। और एदे विच अनेक प्रकार दे रंग भरदिया गुरु नानक तो लैके दसवें जामे धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तक कमाल दा इतिहास रचिया गया है। अज केसगढ़ दे मैदान विच इस मनुख नू पूरन पुरख बनाउन लई गुरु कलगीधर पातशाह जी ने एक बख्शिश कीती खंडे बाटे चों खंडे दी धार चों खालसा प्रगट कीता। पहला उन्हां कोलों सिर मंगे जिन्हां ने अपने सिर भेट कीते उन्हां दी गिणती पंज सी वखरियां वखरियां जातां दे वखरे वखरे इलाकियां दे मनुखता नूं पूर्णता देण लगे ने धन गुरु कलगीधर पातशाह। उन्हां नूं अमृत दी दात बख्शिश कीती ते जिस वेले तंबू चों उन्हां पंजां नूं लैके बाहर मंच ते आए उस वेले सरबत दे सामने समूह संगत दे सामने नियम उपनियम रहत मर्यादा दर्शाई और इन्ना मान दिता इन्नी वडियाई दिती ए मेरे पंज प्यारे हैं। सात संगत कहन लगे
खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूं करो निवास। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हों सद सत्संग। और ऐसे ही बस नहीं सत्संगत, इतिहास ने एक होर कमाल दी गल वेखी, इतिहास ने एक नवा मोड़ खादा। इस तो पहला परचोल करके वेखो, गुरु अपने जींदे जी अपने चेले नू गुरियाई दी गद्दी नहीं कोई दे के गया, मुरीद मुरीद ही रहा, मुरशद मुरशद ही रहा। मुरशद तो बाद पावे मुरीद मुरीद नू किते गद्दी हासिल हो गई होवे, पर अपने जींदे जी किसे मुरशद ने मुरीद नू अपनी थां ते नहीं बिराजिया विराजमान कराया। ये सिर्फ गुरु नानक दे घर दी वडियाई है, जिमें थापया लहना जीवद गुरे आई सिर छतर फिराया। दसवें जामे विच कलगीधर पातशाह जी ने बख्शिश की इन्हां पंजां नूं रहत मर्यादा नियम उपनियम दर्शाए। कोई लुका छिपा नहीं रखिया, गुरु ने सिख कोलों कुछ भी लुका के नहीं रखिया, सब कुछ सिख दी झोली च पा दिता है। एक होर कमाल दा इतिहास रचिया गया, वेखिया इतिहास ने कि कलगीधर पातशाह जी ने गल विच पाया पल्लू, उन्हां पंजां दे सामने हाथ जोड़ के एक बेनती करन लगे। सात संगत कहन लगे, मोहे बेनती पांचन आगे, हम सेवक तुम सतगुर लागे, जिम तुम स्यार ते सिंह पए हैं, अमृत छके तैयार हुए हैं। जिमें तुसी अमृत छके दया राम तो दया सिंह सज गए हो, धर्म चंद तो धर्म सिंह सज गए हो, तिवें मेरे ते भी कृपा करो, मैनू भी अमृत की दात बख्शो। कहन लगे, गोविंद राय से सिंह बनावो, बिछड़े हुए को गैल मिलाओ। उस वेले तक कलगीधर पातशाह जी का नाम गोविंद राय करके आउंदा सी। आखन लगे, हुण तुसी मैनू अमृत की दात बख्शो। जदों ये गल सुनी भाई दया सिंह जी बोल उठे, ऐ मेरे चोजी प्रीतम, ऐ जीवन दाते सतगुरु, आपने तो सानू हुणे हुणे एक नवा जीवन बख्शिया। पातशाह असी तो आप दे दर दे मंगते हाँ, भिखारी हाँ, भला एक भिखारी दाते नू की दे सकता है। पातशाह ये तो आप दे चोज हन, ऐ निमाणियां नू मान देण वाले सतगुरु, ये चोज साड़ी समझ तो बाहर हैं, तुसी सानू इन्ना माण बख्शे, भला असी की दे सकते हाँ आप। हजूर कलगीधर पातशाह कहन लगे, भाई दया सिंह जी अज तो पंज प्यारे ही अमृत देण दे अधिकारी होणगे। सात संगत एक गल होर वेखण वाली है कि हजूर ने एक मर्यादा कायम करन लगिया कि पंज प्यारे ही अमृत देण दे अधिकारी होणगे। जिथे गुरु ते सिख विच समानता दा दर्जा बख्शिश कर दिता है, सिख गुरु गुरु सिख है, उथे जदों मर्यादा कायम करन लगे के पंज प्यारे ही अमृत देण दे अधिकारी होणगे, कोई छे जां चार नहीं, पंजां नूं अथॉरिटी बख्शिश कीती केवल पंज प्यारे ही अमृत देण दे अधिकारी होणगे। इस मर्यादा नूं कायम करन लग्या सात संगत, सब तो पहला कलगीधर पातशाह जी ने अपने आप नूं पेश कीता है। सब तो पहला उन्हां पंजां कोलों पंज प्यारियां कोलों आप अमृत दी दात मंग कीती। कहन लगे, दाम तो न दे सकूं
बेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। दाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। इस मर्यादा नु कायम करन लगे हैं। सब तो पहला अपने आप नु पेश कीता कलगीधर पातशाह जी ने, कहन लगे मैनु अमृत दी दात बख्शो। भाई दया सिंह जी कहन लगे सचे पातशाह जे आप जी दा ए हुक्म है ता कहा दया सिंह सिंह बनना कठिन है, हम सिंह बने शीश अपना कटाए के। शीश की है फीस होए सिंहन की रीस पाछे, आओ इस गली शीश तली पे टिकाए। महाराज फीस भी आपने सिर पेट रखे, जेड़ा सिर पेट करे अमृत दी दात दा भागीदार बन दे। पातशाह पाछे तुम पाहुल दिया, पांच शीश लिए पहला हम पाहुल देंगे तो क्या दोगे गिनाए के। महाराज आप ही दसो, क्योंकि भेटा तो बिना ते ए दात प्राप्त नहीं जी होंगी, हुण आप ही दसो कि आप की भेटा दो। कलगीधर पातशाह हाथ जुड़े हैं सात संगत पंज प्यारियां दे सामने खड़ो के बेनती कर रहे ने, भाई दया सिंह जी अमृत दी रात बख्शिश करो, भेटा वजो गोबिंद राय दा शीश भी हाजिर है। भाई दया सिंह कहन लगे ऐ मेरे चोजी प्रीतम, ऐ सर्व कला समर्थ गुरुदेव, एक सिख भी एक सिर भेट करे ते आप भी इको सिर भेट करो, फर्क ते कुछ ना होया। दाता जी हो आप जिन्हों ते कुछ वध देना चाहिए है। जदों ए बचन सुने कलगीधर पातशाह दे नैन जुड़ गए किसे विस्माद विच, कहन लगे भाई दया सिंह जी अमृत दी कीमत अदा नहीं कर सकता, दाम नहीं दे सकता, हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात धन पदार्थ दे के जे मैं कवां कि अमृत खरीद लवां ये नामुमकिन है। और भाई दया सिंह जी अज तो पंज प्यारियां विच गुरु की कला वरतेगी, मैं दया राम तो दया सिंह ते बना सकदा, धर्म चंद तो धर्म सिंह दी उपाधि दे सकदा, पर अपने आप गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बन जावा ये नामुमकिन है। गोबिंद सिंह जे बना सकदा है ते मेरा गुरु खालसा, आज तो तुसी गुरु खालसा हो, कृपा करो। कीमत नहीं दे सकदा, दाम नहीं दे सकदा, पर जे प्रवान करो एक सिर ता भेट कर चुके हां, हिंदू धर्म दी रखिया वास्ते मजलूमा दी रखिया खातर देश दी असमत नू बचाण वास्ते गुलामी दिया जंजीरां नू तोड़न वास्ते पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी का पवित्र शीश ते भेट कर चुके हैं। ऐ गुरु खालसा बख्शिश करो, भेटा वजो मैं सारे ही सरबंस दे शीश हाजिर करदा हां, अमृत दी दात बख्शिश करो। संगतां दे हुक्म दी तामील करदे हां, ए चंद लाइना पेशे खिदमत हैं जो कवि बालम जी ने बड़ी खूबसूरती नाल अपने दिल दियां गहराइयां विचों
ये मोती चुन के कलम बंद कीते हन। ए इसनू गीत ही ना समझो, ये साड़ा अनमोल इतिहास है। कलगीधर पातशाह भाई दया सिंह जी नू मुखातब करके जो बचन कह रहे ने सरवन करो। कहन लगे दाम तो न दे सकूं पेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, दाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। पिता कटवा के जैसे खून की खिलाई होली, पिता कटवा के जैसे खून की खिलाई होली, वैसे होली बेटों के खून से खिलाऊंगा, वैसे होली बेटों के खून से खिलाऊंगा, दाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, दाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। तेरे कुर्बानियों के बांध कर कर संग, तेरे कुर्बानियों के बांध कर संग, मौत की घोड़ी बेटे अपने बिठाऊंगा, मौत की घोड़ी बेटे अपने बिठाऊंगा, दो चमकार में कटाऊंगा कटारों संग, दो चमकार में कटाऊंगा कटारों संग, दो सरहंद की दीवारों में चिनाऊंगा, दो सरहंद की दीवारों में चिनाऊंगा, दाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। किसी तरफ माता और किसी तरफ बाप होगा,
माता और किसी तरफ बाप होगा, किसी तरफ बेटे कहीं महलों को रुलाऊंगा। सत्संगत ध्यान देना, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का दुनिया भी हिसाब नाल केवल 42 साल का जीवन है। इस छोटे जहे जीवन काल विच जो जो उपकार इस देश ते हजूर ने कीते, इस मनुखता ते जो जो उपकार हजूर ने कीते, वो अपनी मिसाल आप है। एक इतिहासक घटना का जिक्र करदे आ, एक शायर कहता है, ध्यान देना, बिछड़ गए श्री माता बच्चे प्यारे, थे घबराए सिख आ हजूरी पुकारे। जदों सरसा नदी पार करते हुए विछोड़ा पया, सिंघा ने बेनती कीती, सचे पातशाह माता गुजरी ते छोटे साहबजादे इस हनेरी रात विच नदी नू पार कर दिया, पता नहीं केड़े पासे नू चले गए ने। हुक्म होवे ता उना दी पाल वास्ते कुछ सिंह भेजे जान। सात संगत सरसा नदी पार करन वेले बहुत सारा नुकसान होया, कीमती ग्रंथ सरसा दी भेंट हो गए, प्यारे सिंह बहुत सारे शहीदियां पा गए, केवल 40 सिंह वड्डे साहबजादे ते धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह एक थां दे उत्ते पार होके एकत्रित होए। उस वेले भाल कीती तां सिंघां ने बेनती कीती, सच्चे पातशाह छोटे साहबजादे माता जी पता नहीं किहड़े पासे चले गए, हुक्म होवे उन्हां दी भाल वास्ते कुछ सिंह भेजे जाण। पर कलगीधर पातशाह कहिंदे ने, क्या फिक्र करते हो ऐ जाने सारो, ये उन बच्चों का इम्तिहान हो रहा है, तुसीं उन्हां दी फिक्र ना करो, वो तां किसे इम्तिहान विच कामयाब होने वास्ते गए ने। कहण लगे, गए हैं इसी वास्ते वो बिछड़ कर, चिनेंगे दीवारों में उनको सितमगर, फिदा होंगी माता और वह दोनों बच्चे, जबर जुल्मे का खात्मा हो रहा है। जुल्म दिया निया नू पुट्टन वास्ते उना शीरखोर बच्चियां ने अपने आप नू निया विच चिनौणा है। सात संगत ओ तां उस इम्तिहान विच कामयाब होण गए ने। ऐ खालसा जी, तुसी उना दो दी गल करदे हो, आ जिहड़े कोल खड़े ने वड्डे साहबजादियां वल इशारा करके कहण लगे, कटाऊंगा कल तक ए बाकी के जाकर अकेला रह जाऊंगा घर को लुटाकर, कभी बेटे वारे कभी वारा वालिद, या किस्तों से कर्जा अदा हो रहा है, कदे पिता दी शहादत कदे पुत्रा दी शहादत माता दी शहादत। सात संगत गुलामी दियां जंजीरां नू तोड़न वास्ते, धर्म दियां जड़ां नू मजबूत करन वास्ते हंस हंस के सारा ही सरबंस कुर्बान कर दिता है। इन्ना वड्डा महादानी जो सरबंस दानी अखवाया, केवल ते केवल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह होया है। कवि कहिंदा है, ध्यान देना, किसी तरफ माता और किसी तरफ बाप होगा, किसी तरफ माता और किसी तरफ बाप होगा, किसी तरफ बेटे कहीं महलों को रुलाऊंगा, किसी तरफ बेटे कहीं महलों को रुलाऊंगा। दाम तो न दे सकूं पेटा मंजूर,
करो सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा हाथ पे न बाज होगा शीश पे न ताज होगा हाथ पे न बाज होगा शीश पे न ताज होगा खुश गया राज होगा साईं गुण गाऊंगा खुश गया राज होगा साई गुण गाऊंगा होऊंगा अकेला और फिरूंगा मैं जंगलों में होऊंगा अकेला और फिरूंगा मैं जंगलों में छाड़ के पलंग से जा कांटों की बिछाऊंगा छाड़ के पलंग से जा कांटों की बिछाऊंगा दाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो सुनो दया सिंह जो जो भेंट में चढ़ाऊंगा सुनो दया सिंह जो जो भेंट में चढ़ाऊंगा दाम तो न दे सक बेटा मंजूर करो सुनो दया सिंह जो जो भेंट में चढ़ाऊंगा सुनो दया सिंह जो भेंट में चढ़ाऊंगा माता का न प्यार होगा बेटों का न हार होगा माता का न प्यार होगा बेटों का न हार होगा सुना संसार होगा साईं गुण गाऊंगा सत्संग पुत्रां वास्ते दुनिया बहुत कुछ करती है अपने पुत्र नु बचाउन वास्ते हर कोई हिला करदा पर एथे देश धर्म दी असमत नु बचाउंदे आ हस हस के अपने पुत्रां दा बलिदान देण वाला धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह साध संगत जो कलगीधर पातशाह दे उपकार इस देश ते हन इस मनुखता ते हन मानव जाति ते हन असी इस देश दे वासी उन्हां उपकारां नूं भुलदे जा रहे हां खासकर जो असी गुरु दे पैरोकार हां असी ही अपने गुरु दे बचन भुलदे जा रहे हां साडे वर्गा अकृत गण होर कौन हो सकदा है उपकार सदा चेते रखिए गुरमत अपनाइए गुरु वाले बनिए ताही असी अपने फर्ज की अदायगी कर सकते हैं कहन लगे माता का न प्यार होगा बेटों का न हार होगा माता का न प्यार होगा बेटों का नहार होगा सुना संसार होगा साई गुण गाऊंगा सुख के समेत सर्वंश सब भेंट किया
कहन लगे भाई दया सिंह जी अमृत दी रात बख्शो भेटा वजो मैं सारे सुख आराम धन पदार्थ हाजिर कर दा भेटा वजो पिता माता पुत्र सारे ही सरबंस दे शीश हाजिर करदा हां। और इहदे बावजूद साध संगत एक होर कमाल दी गल कह दित्ती जरा ध्यान देना कहन लगे सुख के समेत सरबंस सब भेंट किया अब तो पिला दो पाहुल सेवक कहलाऊंगा अपने आप में गुरु खालसे का छोटा जा सेवादार रखवावांगा अमृत दी दात मेरी झोली पाओ तरला लै के अमृत दी दात प्राप्त कर रहे हैं एक असी हाँ अमृत वास्ते प्रेरणा दिती जांदी है फिर भी अमृत छकन वास्ते तैयार नहीं साडे वास्ते पूरने पाए ने रहनी रह सोई सिख मेरा हजूर दा ये बचन रहत नामिया विच आउंदा है वो साहिब मैं उसका चेहरा साध संगत भाई गुरदास जी बुलंद आवाज विच गल करदे ने ऐ दुनिया दे लोको वह प्रगट मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला गुरु भी है चेला भी है ऐसा जे गुरु नसीब होया है ते ऐ गुरु खालसा सिर्फ तैनू होया है तू भागा वाला है कहन लगे सुख के समेत सरबंस सब बेट किया अब तो पिला दो पाहुल सेवक कहलाऊंगा दाम तो न दे सको बेटा मंजूर करो सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा दाम तो न दे सको बेटा मंजूर करो सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा संगत एक ऐसी इतिहासक घटना है जिसनु सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिसका सिरलेख है निकियां जिंदा वड्डे साके कलगीधर पातशाही के छोटे साहबजादियों का यह इतिहास सानू कुछ कह रहा है इस तो असा कुछ संदेश ग्रहण करना है इना चंद लाइना विच इस इतिहासक वार्ता नू इंज वर्णन करन दा यतन कीता है श्रवण करो कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे विच सरहंद जाल मां फड़के विच सरहंद जाल मां फड़के नीहा विच खलारे कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे
बड़ा यतन किया, इन्हां बच्चियां नूं बड़े बड़े लालच दिते, आखिया ईन मन लवो, छड़ दिओ सिखी, इस्लाम कबूल कर लो, तुहानूं वड्डे वड्डे रुतबे दिते जाणगे, पीर दा खिताब दिता जाएगा। सत्संग बड़ा यतन किया इन्हां बच्चियां नूं वर्ग लाण दा, पर ओ शीरखोर बच्चे धन गुरु कलगीधर पातशाह दे जिगर दे टुकड़े, उन्होंने हस हस दे मौत नूं तां प्रवान किया, पर सिदक नहीं हारिया। कवि कहिंदा है, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे, विच सरहंद जालमा फड़के, विच सरहंद जालमा फड़के नीहा विच खलारे, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। इन मनावण लई जालमा बहुता जोर लगाया, मनावण लई जालमा बहुता जोर लगाया, तन दौलत हूरा दया डोलिया दाला लच दिखलाया, पर धन धन वो निके बचे, पर धन धन वो के बच्चे सिद्ध को मूल नहारे, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे, विच सरहंद जालमा फड़के, सरहंद जालमा फड़के नीहा विच खलारे, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे, कलगीधर दशमेश पिता दे दो फरजंद प्यारे। जद ना मन्नी इन बालका सूबे गुस्सा खाया, गुस्से विच आके काजी नू कहन लगा, फतवा लाओ इना बच्चियां नू किवें शहीद कीता जाए। हालांकि कुरान दी कोई भी आयत पढ़ो, कोई भी धर्म ग्रंथ किसी के उत्ते अत्याचार करन दी इजाजत नहीं दिंदा, पर इन जालमां ने बल्कि धर्म के आगू काजी ने भी कुरान का बहाना ला के आयत पढ़ के कह दिता कि कुरान पाक कहिंदा है किसे मासूम दा खून धरती ते नहीं डिगना चाहिदा, बच्चे दा खून धरती ते नहीं डिगना चाहिदा। फिर कहन लगा, कोई गल नहीं, ओ सामने दीवार चिणी जा रही है, दीवार दे जिंदा चिण दिओ, लहू धरती ते नहीं डिगेगा, अंदर ही दम घुट के आपे मर जाने। कैसा इंसाफ है,
कवि कहिंदा है जद ना मन्नी इन बालिका सूबे गुस्सा खाया खोल किताब पढ़ी आयत फिर काजी पतवालाया चिण दियो नीहा विच इनानू चिण दियो नीहा विच इनानू वेखण लोकी सारे कलगीधर दशमेश पिता दे फरजंद प्यारे कलगीधर दशमेश पिता दे तो फरजंद प्यारे बिच सरहंद जालमा फड़के बिच सरहंद जालमा फड़के नीहा बिच खलारे कलगीधर दशमेश पिता दे तो फरजंद प्यारे कलगीधर दशमेश पिता दे तो फरजंद प्यारे पाके हुक्म जलादान हुण कीती शुरू चिणाई पाके हुक्म जलादाने हुण कीती शुरू चिणाई जबर जुलम ते सबर सिदक दी हुंदी पई लड़ाई सबर जुलम ते सिदक सबर दी हुंदी पई लड़ाई तक के इस जुलमी साके नू तक के इस जुलमी साके नू कंबे अंबर तारे कलगीधर दशमेश पिता दे तो फरजंद प्यारे कलगीधर दशमेश पिता दे तो फरजंद प्यारे बिच सरहंद जालमा फड़के बिच सरहंद जालमा फड़के नीहा बिच खलारे कलगीधर दशमेश पिता दे तो फरजंद प्यारे कलगीधर दशमेश पिता दे तो फरजंद प्यारे मखणा दे नाल पाली जोड़ी होनी देवस होई दे नाल पाली जोड़ी होनी देवस होई नौ ते सत साल दिया जिंदा नीहा विच समोई निके निके सोने सोने निके निके सोने सोने कोमल प्यारे प्यारे कलगीधर दशमेश पिता दे तो फरजंद प्यारे कलगीधर दशमेश पिता दे तो फरजंद प्यारे बिच सरहंद जालमा फड़के सरहंद जालमा फड़के नीहा विच खलारे कलगीधर दशमेश पिता दे तो फरजंद प्यारे कलगीधर दशमेश पिता दे तो फरजंद प्यारे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੋ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈ ਸਨੇਹਾ ਦੇਂਦੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈ ਸਨੇਹਾ ਦੇਂਦੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਬੈਠੀ ਐ ਪੰਥ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੁਲਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪਿਆਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪਿਆਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪਿਆਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪਿਆਰੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪਿਆਰੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪਿਆਰੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਾਤ ਪੋਹ ਦੀ ਠੰਡ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਣਮਿਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਪਥਰੀਲੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਉਸ ਅਰਹਟ ਦੀ ਟਿੰਡ ਖੋਲੀ ਸਰਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ
देश की गुलामी दियां जंजीरां नूं तोड़न वास्ते सानू गुलामी तो देशवासियों नूं गुलामी तो आजाद करन वास्ते साध संगत सब कुछ कुर्बान करके नंगे पैरी इस पथरीली कंडियाली धरती ते पुंजे ही रोड़ियां दा विछाउणा पिंड दा सराहना लैके लेट गए आराम अवस्था विच लेट गए पर कृपाण दे कब्जे ते हथ है पौ फुठाला होया सूरज दियां कहिंदे किरणां हालां निकलन वालियां सन इधरों भाई दया सिंह हिम्मत सिंह मान सिंह लभदे लभदे जिस वेले इस पासे आए इन्हां नूं कुछ लिशकारा जापिया हजूर दे अंगूठे दे विच जिहड़ा अंगुश्ता सी जिहदे नाल तीर कमान दे उत्ते तीर रख के चलाउंदे सन उस अंगुश्ते दे विच हीरा जड़िया सी ओ हीरा पिया चमकदा सी ओदी सेध वी जदों पहुंचदे ने तां की वेख्या उत्थों अंदाजा लगाया भई कौन बेपरवाहियां नाल रोड़ी दा विछाउणा करके आराम अवस्था विच लेटिया है इंज जापदा है कोई शहन शाह दा शहन शाह है इन्हां चंद लाइनां दे विच इस वार्ता नूं इंज बयान कीता है सरवण करो सौ कौन रहा रोड़ा ते कोई वे परवा जापे दुनिया दा वालिए कोई शहन शाह जापे सौ कौन रहा रोड़ा ते कोई वे परवा जापे दुनिया दा वालिए कोई शहन शाह जापे सौ कौन रहा रोड़ा ते अगे वधे ता की वेख्या चरना वाले पासे नजर पई छाले पए होए वेख के एक वार ते नैणा विच अथरू आ गए हैं कहन लगे पैरां विच छाले ने कोई थकिया राही पैरां विच छाले ने कोई थकिया राही लिशके ज्यों अरशां तो कोई नूर इलाही कोई नूर इलाही सौ कौन रे हरूड़ा दे कोई वे परवा जापे दुनिया दा वालिए कोई शहन शाह जापे ते घोड़ा ए अते इक भी लाल नहीं ना बाज ते घोड़ा ए अते इक भी लाल नहीं आनंदपुर छड़ आया पर मलाल नहीं पर रता मलाल नहीं सौ कौन रे हरूड़ा ते कोई भी परवा जापे दुनिया दा वालिए कोई शहन शाह जापे
ਦਾ ਦਾਤਾ ਏ ਸਰਬਸ ਦਾ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੀ ਏ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੀ ਸੌ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਰੋੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਲੀ ਏ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਲੁੱਟਾ ਆਇਆ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਮੁਕਾ ਆਇਆ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜੈ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦ ਸਦ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਰੇ ਸਰਬੰਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਸਾਂ ਸੁਰਾਹੀ ਸੂਲ ਵੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਆਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀੜੇ ਜੀਆਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਲੁਟਾ ਆਇਆ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਮੁਕਾ ਆਇਆ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਉਸ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਐ ਹਵਾਏ ਜਰਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਾ ਮਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖੜਾਕ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਨਿੰਦਰਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾਛੀਵਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ ਕਰ ਲੈ ਸੇਵਾ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰੇਗੀ ਕਰ ਲੈ ਸੇਵਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਮਤਾਂ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਕਰ ਮਾਹੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਸੌ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਰੋੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਾਵੇ ਸੌ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਰੋੜਾ ਤੇ
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चरने गोविंद मारेग सुहावा, गोविंद मारेग, गोविंद मारेग सुहावा। चरने गोविंद मारेग सुहावा, गोविंद मारेग सुहावा। अरे अमृत पिन्ने लुणा मन प्रेम तनारा रज मन राम पतवटी लाया पंचन तुविन्ना पुरम रंग चलू लिया मेरा मन धन पिन्ना जन नानक मुत पेट बोलिया शादत जय विद मोए आनो हेमकुंट पर्वत है जहाँ सपत सिंह शोभत है तहाँ कथा बखानो जी अब मैं अपनी कथा बखानो जी अब मैं अपनी मिठ बोल राजी मिठ बोल राजी हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा हों संभलता की जी हो कदे न बोले कौरा बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे सहज रंग रच रहया सहज रंग रच रहया बाबा मन मत वारो बहुत जन्म बिछड़े ते माधो ये जन्म तुम्हारे दर्शन देखे बहुत जन्म बिछड़े ते माधो ये जन्म तुम्हारे ले गए ते मन है सो कर संन्यासा पन से सदन सब कर समझो हर नाम का ओला हर नाम का ओला ओला तो
तुझे न लागे साता झोला, तुझे न लागे साता झोला ओला हर नाम का ओला। साहिब डाडा हुए तिसनो मार ना सके कोए, मार ना सके कोए, मार ना सके कोए। जिसदा साहिब डाडा हुए तिसनो मार ना सके कोए, मार ना सके कोए। पावे तिवें बख्श, जो पावे